पूरे संपूर्ण राजस्थान की नर से पिछले 24 दिनों से संयुक्त संघर्ष समिति के बने तले संपूर्ण राजस्थान में अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर जो संघर्ष करी है, जिसमें मुख्य मांग केंद्र के समान वेतनमान वेतन विसंगति दूर करना और पदनाम परिवर्तन और प्रत्यक्ष निदेशालय की स्थापना, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण एवं जो पहले संविदा में सेवा कर चुके नियमित हो चुके उनकी संविदा सेवा का नियमित सेवा के अंदर सेवा का जोड़ना और जिनका जो संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वो कम से कम 37,800 किया जाए उचित आदि 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की नशे संघर्ष कर रही है लेकिन राजस्थान सरकार 24 दिन सांकेतिक संघर्ष करने के बाद भी आज तक प्रशासन और राजस्थान सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए आंदोलन का हमें रूप चेंज करना पड़ा और आज जिला चिकित्सालय से लगाकर जिला कलेक्टर तक रैली का आयोजन किया गया और जिला कलेक्टर मोदी के माध्यम से मुख्यमंत्री मोदी साहब को जो ये ज्ञापन दिया गया कि हमारे आगे का आंदोलन की किस प्रकार रणनीति रहेगी, हमें आगे क्या रहेगा और 23 तारीख को संपूर्ण राजस्थान की नर्सें सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर के अंदर मारली करेगी। इतना समय देने के बाद यदि राजस्थान की सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्य नहीं करती है तो जो भी चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान के अंदर चरमराती है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। यहाँ हमारा एक दिन ज्ञापन देने के बाद पूर्व सूचना देने के बाद भी हमें जो है प्रशासन जो है यहाँ पर नहीं मिलता है, हमारा ज्ञापन लेने वाला कोई नहीं मिलता है, तो हमने दो ज्ञापन नहीं लिया, इसलिए हमने ये चीज़ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, फिर हमारे जिले के कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन ले लिया और हम राजस्थान सरकार से गुजारिश करते हैं अभी भी वक्त है हमारी मांगों को समय से मान लिया जाए, हमें राजस्थान की जो नशे की मरीजों की सेवा करने वाले मानव सेवा को सरोपरि मानने के वाले नशे की धैर्य की परेशान नहीं ले, यानी तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चिकित्सा व्यवस्था ठप करनी पड़ी तो पड़ेंगे, लेकिन हम हमारे गृह क्षेत्र मांगों को लिए बिना अपना आंदोलन रद्द नहीं करेंगे।